गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। तो ब्लड वेसल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आर्टरीज एंड वेंस में। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टरीज की। आर्टरीज ये क्या करती है कि ये हार्ट से ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, और इस ब्लड को बॉडी के अदर ऑर्गन्स और अदर टिश्यूज में इसको ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आर्टरीज में प्योर ब्लड का फ्लो होता है। ओके, आर्टरीज हार्ट से प्योर ब्लड कैरी करती है और इसको बॉडी के अदर ऑर्गन्स और अदर टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करती है, इसमें प्योर ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। पल्मोनरीज आर्टरीज को छोड़ के बॉडी की जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें प्योर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है कि ये हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है और इसको प्योर करने के लिए लंग्स में लेके जाती है इसको। ओके, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हुआ, आर्टरी का एक्सेप्शन है ये पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, अब हम लोग बात करेंगे वेंस की बात, ठीक है। तो वेंस में क्या होता है कि ये जो वेंस होती है ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से और डिफरेंट बॉडी टिश्यूज से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है ये, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से ब्लड को कलेक्ट करता है, ठीक है, और इस इम्प्योर ब्लड को कहाँ ले जाता है, हार्ट में, ठीक है। इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ ले जाता है, हार्ट में ले जाता है, ठीक है। इसका भी एक एक्सेप्शन है यहाँ पे पल्मोनरी वेंस, ठीक है। पल्मोनरी वेंस के अलावा बॉडी की जितनी भी वेंस हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, लेकिन पल्मोनरी वेंस में क्या होता है कि प्योर ब्लड फ्लो होता है, ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहाँ ट्रांसपोर्ट करती है, हार्ट में, ठीक है। तो ये पल्मोनरी वेंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लंग से लेती है और इसको कहाँ ले जाती है, हार्ट में ले जाती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हो गया पल्मोनरी वेंस, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टरीज और वेंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आर्टरीज और वेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि आर्टरीज में प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। एक्सेप्शन दोनों का आप बता देंगे, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज, यहाँ पे पल्मोनरी वेंस, एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। तीसरी बात ये कि ये जो आर्टरीज होती है इनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, इसमें आर्टरीज में ब्लड का फ्लो हाई प्रेशर से होता है, ठीक है, और वेंस में वेरी लो प्रेशर होता है। वेंस में जो ब्लड का फ्लो होता है बहुत कम प्रेशर के साथ वो फ्लो करता है। सेकंड है, जो आर्टरीज की वॉल होती है वो थिक होती है, रिजिड होती है और नॉन इलास्टिक होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। इसके जस्ट अपोजिट वेंस की वॉल जो होती है आर्टरी के कंपैरिजन में थोड़ी थिन होती है और ज्यादा इलास्टिक होती है, मोर इलास्टिक होती है, ठीक है। थर्ड है, जो आर्टरीज होती है क्योंकि आर्टरीज की वॉल काफ़ी थिक होती है इसलिए जब आर्टरी खाली हो जाती है तो वो कोलैप्स नहीं करती है, ठीक है, वो पिचकती नहीं है। लेकिन वेंस की वॉल क्या होती है, थिन होती है, इस वजह से जब वो वेंस खाली हो जाती है उसमें ब्लड नहीं रहता है तो वो पिचक जाती है, कोलैप्स कर जाती है। ओके, नेक्स्ट
जो आर्टरी की कैविटी होती है वो नैरो होती है, पतली होती है, ठीक है, पतली होती है, जिससे ब्लड का फ्लो काफी प्रेशर के साथ होता है, ठीक है। और वेंस में कैविटी वाइडर होती है, चौड़ी होती है। नेक्स्ट, जो आर्टरीज में वाल होती है, आर्टरीज में वाल्व एब्सेंट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो बीच में अगर कोई वाल्व होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए यहाँ पे वाल्व एब्सेंट होता है। और वेंस में चूंकि ब्लड काफी लो प्रेशर के साथ बहता है, यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लड को एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, बैक डायरेक्शन में आने से रोकते हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होते हैं, आर्टरी में वाल्व एब्सेंट होते हैं। लास्ट, जो भी मेन आर्टरीज होती हैं वो बॉडी के डीपेस्ट पार्ट में सिचुएटेड होती हैं, गहराई में होती हैं, और जो मेन वेंस होती हैं वो बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, बॉडी के सरफेस पे होती हैं। तो ये था ब्लड वेसल्स के बारे में, ये डिफरेंसेस थे आर्टरी और वेंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन बींग्स में हार्ट का सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में कैसे होता है, इसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इसमें इतना ही। और एक चीज़ और कि क्लास 10 का होमवर्क नहीं आ रहा है, क्लास 10 का होमवर्क नहीं आ रहा है ग्रुप में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना होमवर्क डेली कीजिए और ग्रुप में उसको सेंड कीजिए। ओके ओके, थैंक्स।